हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ब्लॉग अब्रॉड चैनल पे मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज तारीख है 8 जनवरी सैटरडे। तो अभी जैसे न्यू वीकेंड स्टार्ट हो गया, सैटरडे संडे को हमारी छुट्टियाँ होती है। तो आज मैं घर पर बनाने वाली थी आलू चाट, वो जो होती ना आलू की टिक्की वाला। तो सुबह हरजीत भाभी का कॉल आया कि तुम लोग इधर आओ। तो फिर मैंने पूछा क्या आप लोग खाएंगे चाट, तो उन्होंने बोला हाँ हम भी खा लेंगे, आ जाओ। तो मैं उसका सामान लेकर अपने साथ जा रही हूँ, वहीं बनाएंगे और आप सबके साथ मिलकर खाएंगे। तो चलिए चलते हैं उनके घर। जब से बारिश हुई है ना, वेदर और भी अच्छा हो गया है और ये जो ग्रीनरी है ना, ये और भी निखर के सामने आई हुई है। बहुत ही मतलब ज़्यादा ग्रीन हो गया है इन्वायरमेंट, और जो फ्लावर के कलर हैं वो और भी ज़्यादा ब्राइट हो गए हैं। इतना अच्छा लगने लगा है अभी बारिश की वजह से। यहाँ पर वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, पर जो नेचर की खूबसूरती होती है ना, वो बारिश में और भी उभर कर आती है। तो बहुत अच्छा लगा था, रोड इतने ग्रीन हैं, ऐसा कभी लगता ही नहीं कि ये डेजर्ट रहा होगा कभी। तो मुझे ये रोड बहुत खूबसूरत लग रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊँ कि कितना अच्छा और कितना खूबसूरत है आसपास, पूरा मेंटेन किया हुआ। और ये जो यहाँ पे पाम ट्रीज़ होते हैं ना, ये पहले कहीं उन लोग उगा कर रखते हैं और फिर जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं सीधा लाकर इधर प्लांट कर देते हैं। तो आपको रोड्स में जो बड़े बड़े पाम ट्रीज़ दिखते हैं ना, वो ज़ीरो टू यहाँ पे नहीं ग्रो होते, किसी और जगह में ग्रो करते हैं और यहाँ लाकर उसे लगा देते हैं। इस वजह से हमेशा आपको रोड के किनारे बहुत सारे पाम ट्रीज़ नज़र आते हैं। बस फिर हम काफ़ी करीब पहुंच ही गए थे भाभी लोग के घर के। इस एरिया को बोलते हैं अलजादा, तो बस उसी तरफ जा रहे थे। तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों को भी दिखाऊं कि कितना खूबसूरत रास्ता है साथ साथ। ये एरिया नया डेवलप हो रहा है, तो कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं यहाँ और कुछ कंस्ट्रक्ट हो गई हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप कर रहे हैं ये लोग यहाँ पर, और सबसे पहले हरियाली लगाई गई और फिर ये सब हुआ लाइक हैंडओवर। और ये यहाँ पे एक स्कूल खुल रहा है, ओपन हो गया है, शोएफा स्कूल है, जो बेसिकली अलजादा जो एरिया है वहाँ के उस कम्युनिटी के लिए है, मतलब नियर बाई स्कूल। तो बहुत ही अच्छा है और ये वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है और बहुत बड़ा स्कूल है, बिल्डिंग ही इतनी अच्छी है इसकी। बस फिर हम लोग भाभी के घर पहुंचे थे और फिर थोड़ी देर बाद बच्चों को लेकर हम पार्क में गए थे। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ। भाभी लोग का घर अलजादा में है, तो हम लोग यहाँ पे आए हुए अरादा में, और यहाँ पे बच्चे थोड़ा देर पार्क में घूम लेंगे। और यहाँ पे ऑर्गेनिक फ्रूट मार्केट लगता है ना उस साइड, ये जो सारी कैनोपीज है ना, ये फ्रूट मार्केट की है। तो बस वहाँ पे हम सब्जियाँ लेने भी आए हुए हैं, तो बस अब इंजॉय कर। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे भाभी लोग के घर की तरफ, क्योंकि ठंड भी बहुत हो गई थी और टाइम भी काफ़ी हो गया था। हम लोगों को बारबेक्यू की तैयारी करनी थी और चाट का प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया था, लेकिन उसके जगह पे हमने बनाया था साबुदाना वड़ा, तो वो सब रेडी करना था। तो बस फिर हम लोग घर की तरफ आ गए थे, और ये मतलब वो जिस एरिया में मेन भाभी लोग का रो हाउस है वो मेन एरिया है। यहाँ पे दूसरे सुपर मार्केट्स और ये सब ओपन होने वाला है, तो वही मैंने कैप्चर किया है थोड़ा। हम लोग अभी हरजीत भाभी के घर पे ही हैं और बाहर जेंट्स लोग बारबेक्यू कर रहे हैं, और मैं बना रही हूँ साबुदाना वड़ा। और भाभी अभी कुछ सामान लेने बाहर गए हुए हैं, तो तेल भी गर्म करने रख दिया है हम लोगों ने। तो जल्दी जल्दी वड़ा फ्राई करते हैं और एंजॉय करते हैं ठंड को। ये बारबेक्यू होके छल्ली आ गई है, भाभी यही लेने गए थे शायद बाहर। या
बस फिर हम लोग सब बाहर बैठ के बारबेक्यू खा रहे थे और ये वड़े खा रहे थे, और फिर मैं अपने हस्बैंड को कैमरे में फ्रेम में ले रही थी तो वो हट गए वहाँ से, और बस यही सब हम लोगों ने खाया, पनीर टिक्का और भुट्टा और शक्कर कंदिया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कल का जो व्लॉग है वो मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि बारबेक्यू हम लोग कर रहे थे, और फिर जब आप इंजॉय करने लगते हो ना तो फिर आपको व्लॉग कंटिन्यू करना है या वीडियो आगे तक कंटिन्यू करना है ये याद नहीं रहता, तो बस कल का व्लॉग मैंने एंड नहीं किया था। आज है 9 जनवरी, संडे का दिन है आज, तो मैंने सोचा व्लॉग एंड कर देती हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा आज का और कल का व्लॉग आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आपको पता ही है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। मा सलामा।